इंजन ऑयल चेंज करने की बारी आती है तो मेजॉरिटी ऑफ द कार ओनर्स को ये पता ही नहीं होता कि उनकी गाड़ी का जो इंजन है उसके लिए कौन सा इंजन ऑयल रिकमेंडेड है। तो इस सूरत में आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, अब अपनी गाड़ी का जो ओनर्स मैनुअल है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो मैन्युफैक्चरर है, असेंबलर है, उसमें आपको कौन सा इंजन ऑयल रेकमेंड कर रहा है आपके इंजन के लिए। दूसरा काम, अगर आपके पास ओनर मैनुअल नहीं है तो आप किसी भी लोकल 3S डीलरशिप को कॉल करें और वहाँ के एडवाइज़र से बात करें, उनको बोलें भाई क्या सीन है, फलाना इंजन मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, कौन सा इसके लिए रेकमेंडेड है इंजन ऑयल, वो आपको बता देंगे। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो यार इंटरनेट पर ही देख लो यार, विकीपीडिया पर देख लो कि इंजन नंबर डाल दो, मेरी गाड़ी का 2NZFE तो इंजन नंबर ही डाल दो अपनी गाड़ी का, उसमें बता देगा कौन सा है यार ऑयल की विस्कोसिटी, आपको उधर ही बता देंगे। मेरे केस में ये इंजन लगा हुआ है 2NZFE और इसकी जो ऑयल का जो कैपेसिटी है वो विदाउट फिल्टर 3.4 लीटर्स है और विद ऑयल फिल्टर 3.7 लीटर है, तो मुझे 4 लीटर का डब्बा ख़रीदना है। और यहाँ पे जो इंजन ऑयल ग्रेड जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं 5, 30, 10W30, 15W40 और 20W50, इन चारों में से आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट आपकी रीजन में कौन सा है। तो मैं 10-40 यूज़ करूँगा, मतलब 10W30 की जगह पे 10-40 यूज़ करूँगा। क्यों करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि आपको पता है कि ये ऑयल चेंज की वीडियो है और इसमें मैं कोई ऑयल विस्कोसिटी के बारे में कोई ख़ास बताऊँगा नहीं, क्यों किसी और वीडियो में बताऊँगा, लेकिन थोड़ा ओवर भी देता चलूँ। ये जो लेटरिंग लिखी है 10W40, 10W30, यहाँ पे 5W30 आप ऑयल्स के कैंस पे देखते हैं लिखा होता है, तो ये मल्टी ग्रेड ऑयल होता है। अच्छा, 10W का मतलब है कि ये जो इसका जो कोल्ड स्टार्टेबिलिटी होती है वो 10W है इसकी, मतलब विंटर में, विंटर कह लें W को, मतलब जब ये आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो 10 है, वेट इसको 10 ग्रेड किया गया है। और 40 ये है कि इसकी हाई टेम्परेचर पे, यानी ऑपरेटिंग टेम्परेचर गाड़ी का हो गया तो उस पर ये इसकी जो विस्कोसिटी है, थिकनेस है जो इसकी, वो इसकी 40 है। और सेम गोज़ फॉर द 10W30, इसकी भी कोल्ड स्टार्टेबिलिटी सेम है लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे थोड़ा थिन है इससे एज कम्पेयर टू 10W40। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओनर्स मैनुअल के कोई ऑपोजिट यूज़ करें चीज़, या फिर उसके दूसरी चीज़ यूज़ करें। मैं 10W40 अपनी गाड़ी के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी 60% ऑफ द टाइम हाईवे पे होती है और हायर RPM पे और लोड होता है उस पर, तो आई थिंक द थिकर द ऑयल द बेटर द लुब्रिकेशन। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये रेकमेंडेड ऑयल को आप यूज़ ना करें, आप बिल्कुल ही रेकमेंडेड ऑयल यूज़ करें, लेकिन मैं ये काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर सकता हूँ तो आई नो कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है इस ऑयल की। अब वही इंजन ऑयल का ग्रेड जो है वो इस्तेमाल करें अपनी गाड़ी में जो आपको ओनर मैनुअल ने रेकमेंड किया है। ये सारे टूल्स आपको चाहिए होंगे टू परफॉर्म एन ऑयल चेंज। 14mm का रेंच है, रैचेट यूज़ कर लें या फिर बोल्ट यूज़ कर लें, ये एक्सटेंशन है। ऑयल पैन, ऑयल निकालने के लिए, ऑयल कैच करने के लिए, ये ऑयल फिल्टर को अनस्क्रू करने के लिए और लगाने के लिए आप रेंच यूज़ कर लें, आप ये सॉकेट में यूज़ करूँगा। फनल है ऑयल डालने के लिए, जैक, जैक स्टैंड, क्योंकि आप कभी भी सीजर जैक पे रिलाई नहीं करें, सीजर जैक सिर्फ गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए होता है। अगर आपको गाड़ी के नीचे काम करना है, कोई भी एक्सपेंसिव, आपको गाड़ी के अंडर जाना है तो आप जैक स्टैंड लगाएंगे, इस पर कभी भी काम नहीं करेंगे, ये अनरिलायबल चीज़ है। और कुछ रैग्स अगर आप कोई मैस क्रिएट करें तो उसको साफ़ करने के लिए। गाड़ी को जैकिंग पोजीशन से जैकअप करने के बाद इसका जो जैक स्टैंड है वो आपने एक सॉलिड पीस ऑफ मेटल होगा फ्रेम का, उस पर लगाना है आपने और उसके बाद इसको ऐसे रख देना है और फिर जैक को आप नीचे करेंगे, ये सीधा जैक को, फिर ये वो गाड़ी इसके ऊपर लैंड कर जाएगी, इसके ऊपर सपोर्ट आ जाएगा उसका। ठीक इसी तरह दोनों जैक्स और दोनों साइड पे जो फ्रेम की जो रेल्स हैं उस पर आपने इनको लगा देना है ऐसे, और इतिहादन आपको सीधा जैक को भी ऐसे रख देना है। जैक स्टैंड पर लगाने के बाद आप गाड़ी को अच्छी तरह से शेक करेंगे देखने के लिए कि सपोर्टेड है कि नहीं है जैक स्टैंड से। अब हमें गाड़ी के अंडर, और ये है गाड़ी का पिछला पार्ट और ये फ्रंट साइड है गाड़ी का। अगर आप इधर देखें तो ये है आपका ट्रांसमिशन, अब देखें ये दो मेटल पार्ट कंसील हुए हैं, ये ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगर आप इस साइड पे देखें तो ये आपको एक पैन नज़र आएगा, ये ऑयल पैन है। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो एक ये 14mm का बोल्ट होगा, आपने इसको अनस्क्रू करना है, इसमें से ऑयल निकलेगा। और ठीक इसी के साथ ही आप देखें ऊपर तो ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, हमने इसको भी निकालना है क्योंकि ज़रूरी है जब नया ऑयल डालेंगे आप तो
उसके साथ आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना ज़रूरी है, वरना फ़ायदा नहीं है ऑयल चेंज का। गंदे फिल्टर के साथ आप क्यों यूज़ करेंगे इंजन ऑयल? 14 mm के बोल्ट्स हैं और रेंच से आप इसको अनस्क्रू कर देंगे ऐसे। अब इसका नट जब ऑल द वे बाहर आ जाएगा तो आपने ऑयल पैन है उसको एंगल पे रखना है ऐसे कि जो स्ट्रीम है ऑयल इंजन ऑयल की वो उसमें आगे गिरे, ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो। तो याद रहे कि जब इंजन ऑयल आपने निकाल रहे नीचे से तो आपने ये फिलर कैप है वो खोल देना, क्योंकि इसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा और जो फ्लो होगा ऑयल का वो सारा नीचे आ जाएगा। सारा ऑयल ड्रेन आउट हो चुका है और हम अब लग नट वापस लगाएंगे। अब मगर उससे पहले मेक श्योर करेंगे कि आप इस पर नई गैसकेट लगाएंगे, मेटल गैसकेट। जो मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मैं पुरानी वाली से ही काम चलाऊंगा, लेकिन ये रेकमेंडेड है कि आप नई वॉशर लगाएं इससे, वरना लीकेज का प्रॉब्लम होता है। इस पर स्क्रू कर देंगे। ये ज़्यादा टाइट ओवर टाइट हमें करना नहीं है इसे, ये एक क्वार्टर और ये दूसरा, बस इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमें इसे। भाई तो हम ऑयल फिल्टर खोलने लगे हैं, इस पर सॉकेट लगा देंगे ऐसे और इसको काउंटर क्लॉक वाइज घुमाना है। ये हो गया अनस्क्रू, अब इसको हाथ से करेंगे। अब देखिए ऑयल इसमें से निकलना शुरू हो गया। अब इस मेस से बचना है हमें इसको जल्दी खोलना पड़ेगा। और इसको खोलने के बाद ये इसको इसमें डाल देना है। फिल्टर निकालने के बाद आप ये ज़रा मेक श्योर कीजिएगा कि इसकी जो ये ओ गैसकेट है ओ रिंग, ये इसके साथ ही आ जाए, इस पर लगी ना रह जाए। ये जो आप देख रहे हैं ना माउंट, बाज़ औक़ात इस पर ऐसे लग जाती है, तो आप जब इसके ऊपर दूसरा ऑयल फिल्टर लगाएंगे तो उसकी गैस भी होगी तो ये लीक कॉज करेगा। तो इसकी ओ रिंग जो है वो मेक श्योर कीजिएगा इसके साथ ही होता रहे, ये जो लगी हुई है। मैं ऑयल फ़िल्टर में पहले से ऑयल क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ऑयल पैन से जो ऑयल होता है वो ऑयल पम्प सक करके पहले ऑयल फ़िल्टर से फ़िल्टर आउट करके फिर इंजन के कंपोनेंट से भेजता है। तो अगर हम पहले ही प्रीफिल करेंगे ऑयल फ़िल्टर को तो इससे प्रोसेस जल्दी होता है। जब इसमें ऑलरेडी ऑयल फ़िल्टर में जब ऑयल पड़ा होगा तो ऑयल फ़िल्टर से ऑयल डायरेक्ट इंजन में जाएगा और इससे ड्राई रनिंग का खर्चा कम हो सकता है। इसको लगाने से पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसकी जो ओ रिंग है गैसकेट, इसको आप साफ इंजन ऑयल है उसको आप ऐसे उंगली में लेंगे और इसको ऐसे लुब्रिकेशन करेंगे इसकी। ये क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम इसको निकालेंगे तो ये बहुत आसानी से निकलेगा। ऑयल फिल्टर हम लगाने लगे हैं और इसको हमने ऐसे हैंड टाइट करना है और क्लॉक वाइज पोजिशन में टर्न करना होगा ऐसे हमें। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये खुद को ये देखें होल्ड कर लिया इसने। अब आपने इसको हैंड टाइट करना है पहले, ताकि क्रॉस ट्रेडिंग से बचे, वरना सीरियस मसला आ सकता है अगर आपने क्रॉस ट्रेडिंग कर ली। क्रॉस ट्रेडिंग ये कि आपने ये समझे एक स्क्रू है और स्क्रू आपने सही टाइट नहीं बिठाया और आपने ऐसे चला लिया तो उसकी थ्रेड्स ख़राब हो जाएंगी, तो फिर ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है, इसमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। हैंड टाइट करने के बाद इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको रेंच से टाइट करें या ना करें, हैंड टाइट वुड बी इनफ। लेकिन मैं एक क्वार्टर टर्न करूँगा, एक दो बस, दैट्स इट। इससे ऑयल फ़िल्टर को टाइट नहीं करते। ऑयल निकाल दिया, लग नट भी लगा दिया और ऑयल फ़िल्टर भी रिप्लेस कर दिया। अब हम इंजन ऑयल को डालेंगे, लेकिन उससे पहले गाड़ी को हम जैक से उतारेंगे, ग्राउंड लेवल पे लाएंगे, ताकि जब हम ऑयल डालें तो मेजरमेंट हमें सही मिले इसकी। मैं ऑयल डालने लगा हूँ इसमें और ये पहले मैं इसमें फाइनल रखूँगा, और जैसे कि इसमें टोटल विथ फ़िल्टर 3.7 liters चलता है और थोड़ा सा हमने ऑयल फ़िल्टर में डाला था, तो मैं पहले 3 liters डाल के डिपस्टिक को फिर डाल के उसमें चेक करूँगा कि कितना इसमें ऑयल है। ऑयल मैंने इसमें 3 liters डाल दिए और ये अभी भी यहाँ पे फुल मार्क पे नहीं है। ऑयल ट्रांसपेरेंट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये एफ से थोड़ा नीचे है, तो हम थोड़ा इसमें डालेंगे और उसके बाद इंजन स्टार्ट करेंगे और लीक चेक करेंगे नीचे से। इंजन ऑयल पूरा डालने के बाद हम इसका फिलर कैप फर्मली टाइट करेंगे और हम अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे। पाँच दस मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखने के बाद आप गाड़ी के नीचे ऑयल लीक चेक कर सकते हैं।
जैसे कि मेरा कोई भी लीक नहीं है, ना ऑयल फिल्टर से लीक है ना ऑयल पैन से लीक है। और हम इसको ड्राइव पे ले जाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑयल लेवल चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो मज़ीद डालेंगे इसमें, और फिर ऑयल लीक्स भी चेक करेंगे। इस वक्त मैं गाड़ी के नीचे हूँ और ऑयल पैन का जो नट है वो फर्मली टाइट है, मुझे कोई लीकेज नहीं दिख रही, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्टली टाइट है। और इसी तरह ऑयल फिल्टर ये भी बिल्कुल सही टाइट है, देखिए कोई लीकेज में दिख नहीं रही, यहाँ से लीकेज होती है वरना बिल्कुल, इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही काम किया है। और ये लास्ट चीज़ आपको जो करनी है, ये एक ट्रिप आपको सेट करना है ऑयल का, ताकि पता चले कि आपको नेक्स्ट ऑयल चेंज कब करवाना है। तो ये था मेरा अल्टीमेट गाइड टू ऑयल चेंज, होपफुली आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो। और आप ये बाहर से भी करवा सकते हैं, ऑयल चेंज बाहर से भी होता है, फ्री में होता है, लेकिन जो मज़ा अपनी गाड़ी में काम करने में वो किसी में नहीं है।